अक्सर लोग कहते हैं अगर आपका पेट सही है तो सब कुछ सही है, अगर आपका लीवर अच्छा है तो आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये सब जानते हुए क्यों हमारा पेट, हमारा लीवर खराब रहता है, क्यों हमें फैटी लीवर का प्रॉब्लम होते रहता है? क्या ये हम खुद जिम्मेदार हैं या हमारी फूड व्यवस्था जिम्मेदार है? अगर हमारा 1.5 किलो लीवर 2 किलो का हो जाए, अगर 2.5 किलो के हाथ के बराबर हो जाए, क्या ये सही में कोहराम मचाएगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ है, आज हम इससे परेशान हैं। चलिए आज हम बात करते हैं फैटी लीवर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाष, फाउंडर प्रज्ञा न्यूट्रिशन, हेल्थ कोच एंड हाउस कॉल डॉक्टर। फैटी लीवर कई कारणों से होती है, उसमें से एक अल्कोहल है। अल्कोहल और जो हाई फैट मीट फिश ये खाते हैं, इसकी वजह से हमें लीवर का प्रॉब्लम होता है। लेकिन दूसरा जो मेन कारण है वो है नॉन अल्कोहलिक, यानी हम अल्कोहल नहीं भी पीते हैं फिर भी हमें फैटी लीवर होता है। कई लोग पूछते हैं, कई लोग बताते हैं कि मैं तो भाई अल्कोहल भी नहीं लेता हूँ, मैं तो मीट मछली भी नहीं खाता हूँ, फिर भी हमें क्यों फैटी लीवर होता है? यह कई कारणों से होती है, और फैटी लीवर होना कोई सिर्फ जो मोटे लोग हैं उन्हीं को सिर्फ नहीं होती है, या पतले लोगों को भी होती है। जो लोग बाहर के फूड ज़्यादा खाते हैं, जो लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, ऑयली खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, उनको भी होती है। उनका वेट नहीं बढ़ता है लेकिन फैटी लीवर हो जाता है। इवन आजकल बच्चों को भी हो रही है, जो बच्चे अगर हाई एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, अगर उनका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, उनका भी लीवर फैटी हो जा रहा है। कोई यह एज स्पेसिफिक, कोई यह पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, या किसी को हो सकती है अगर हम अपनी फूड को उसके अनुसार, अपने हेल्थ के अनुसार अपने लीवर को बचा नहीं पाए तो लीवर फैटी हो जाता है। हमारे देश में हर साल 1 करोड़ लोग फैटी लीवर की वजह से परेशान रहते हैं, या एक लाइपोजेनेसिस कह सकते हैं, डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन लीवर ड्यू टू ग्रेन। जो ग्रेन है जो हम खाते हैं डेली बेसिस पे, व्हीट हुआ, राइस हुआ, या एक्सेस बैड कार्बोहाइड्रेट है, और यह एक्यूमुलेट होते हुए लीवर पे फैट जम जाता है। अगर आपके लीवर पे 10 से 12% भी फैट आ गए तो आप फैटी लीवर कहलाएंगे। जनरली देखा गया है कि फैटी लीवर से कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका लीवर बड़ा हो गया है तो राइट साइड पे अपर एब्डोमेन जहाँ पे लीवर रहता है वहाँ पे कंजेशन फीलिंग होगी, ऑब्स्ट्रक्शन फीलिंग होगी, थोड़ी बहुत पेन होगी, लेकिन कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं होती है। हाँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ चेकअप कराते हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें अगर आपका एंजाइम बढ़ा हुआ होता है, जैसे कि SGOT, SGPT, तब कह सकते हैं आपका लीवर फैटी हो चुका है। अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे, लीवर डिटॉक्स करके अगर आप फैटी लीवर को रिवर्स नहीं किए, अगर प्रोलॉन्ग पीरियड तक अगर आपका लीवर फैटी रहा तो आपको सिरोसिस भी हो सकती है, और फिर हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, फेल्योर भी हो सकता है, इवन मोस्ट केसेस में यह कैंसर के रूप में भी हो सकता है। इसलिए हमारा जो डाइट होना चाहिए वह हेल्थ ओरिएंटेड होना चाहिए, न कि टेस्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, तभी हम लीवर को बचा पाएंगे। लीवर एक यूनिवर्सिटी गेट की तरह है। जैसे मान लीजिए आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, किसी फैकल्टी में जाना है, किसी डिपार्टमेंट में जानी है, कहीं हॉस्टल में जाना हो, किसी काम के लिए आपको ऑफिस वर्क जाना है, जब आप गेट पे आते हैं वहाँ पे आपको चेकअप होता है, आपसे पूछा जाता है आप कहाँ जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा लीवर है, लीवर में हम जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, वह एक चेक पॉइंट है, वहीं पर उसका मेटाबॉलिज्म होगा। अगर आपका डाइट सही नहीं है, आप सही से नहीं लेते हैं, तो फिर लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लीवर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लीवर के कई सारे फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन अगर लें तो लीवर बाइल सेक्रेट करता है, और यह बाइल गॉल ब्लाडर में जाके स्टोर होता है। जब हमें डाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जब फूड को डाइजेशन करना होता है, एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, तब यह बाइल इसको हेल्प करता है इजी डाइजेशन में, बाउल मूवमेंट में। लीवर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है, यह ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी बनाता है। इसे कई सारे फंक्शंस हैं। अगर देखा जाए तो एक सेल में मोर देन 300 एंजाइम्स हैं। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में, सफिशियंट अमाउंट में विटामिन मिनरल्स नहीं लेते हैं, जिसमें कि आपका कोफैक्टर को एंजाइम्स होता है, और यह एंजाइम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आपका लीवर फैटी हो गया है तो इससे ढेर सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लीवर फैटी है, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, चपाती लेंगे और राइस लेंगे, उसमें ग्लूकोज होता है, तो फैटी लीवर होने वजह से जो ग्लूकोज जितना आना चाहिए एनर्जी के लिए उतना नहीं आ पाएगा, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज रहेगा और यह घूमते रहेगा, इससे आपको वीकनेस, फैटिक महसूस होगी। जब आप टेस्ट कराते हैं ब्लड ग्लूकोज का, तो फिर आपका देखा जाए कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में काफ़ी है, तो यह से आपका आप डायबिटीज पेशेंट हो सकते हैं। यह
इसे मैंने बताया कि लीवर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है। अगर यह फैटी लीवर हो गया तो प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगा, फिर आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है वह घूमते रहेगा, फिर यह कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन हो सकता है। अगर डिफरेंट डिग्री लेवल तक डिपोजिशन होता है तो यह हार्ट डिजीज के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओमेन केस में देखा गया है कि यह फैटी लीवर हाइपोथायरायडियम केस हो सकता है। कैसे? ओमेन में एक फीमेल हार्मोन होती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जनरली यह लीवर से डिटॉक्स होकर के बाहर हो जाता है, लेकिन अगर आप फैटी लीवर हो गया तो वहां से प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, इसकी वजह से हाई एस्ट्रोजन आपके थायराइड को डिस्टर्ब कर सकता है। जनरली देखा गया है ओबीज ओमेन के केस में उनको थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है, जो TSH हार्मोन है उसकी लेवल काफी हाई होती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, उसके लिए हम थायरोक्सिन पिल्स लेते हैं, जबकि वो हमें एस्ट्रोजन डिटॉक्स करना चाहिए लीवर के द्वारा, हम वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया लीवर बाइल सेक्रेट करता है, अगर प्रॉपर बाइल सेक्रेशन नहीं हो रहा है तो यह प्रॉपर डाइजेशन भी नहीं होगा, फिर हमें कंस्टिपेशन भी हो सकती है। अगर लॉन्ग टर्म क्रोनिक केस ऑफ कंस्टिपेशन है तो यह एक पाइल्स का भी रूप ले सकता है। इसे कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं अगर हमारा लीवर फैटी हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम जानेंगे कि हमारा लीवर फैटी हो चुका है। इसका पहला सिम्टम है कि आपका स्किन एलोइश हो सकता है, आपकी आंखें व्हाइटिश होगी, आपका जो स्टूल है वह पेल हो सकता है, यूरिन डार्किश हो सकता है, तब कह सकते हैं कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। आपको लोअर लेग्स पे इचिंग भी हो सकती है। इचिंग क्यों होती है? अगर बाइल का जो डिपोजिशन है वो गॉलब्लैडर में नहीं होकर या अंडर स्किन में होने लगे ड्यू टू द फैटी लीवर, तो वहां पे भी इचिंग हो सकती है। इजिली ब्लीडिंग हो सकती है। इजिली ब्लीडिंग होती है कि अगर लीवर सही से काम नहीं कर रहा तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाएगा, इससे ब्लीडिंग हो सकती है। और इसका चौथा जो मेन सिम्टम्स है, यहाँ बैक ऑफ पाम पे आपको अगर ब्लैकी स्पॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ लीवर जो है वह वीक हो चुका है, और यह विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है। इसलिए आप अगर लीवर को फुली फंक्शनल चाहते हैं तो विटामिन ई भी आप लेते रहे, जैसे कि आलमंड है, आलमंड विटामिन ई होता है, तो वो भी आपको हेल्पफुल होगा लीवर को बचाने के लिए, फैटी लीवर से प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसका जो नेक्स्ट सिम्टम्स है, अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक का, उसे भी लीवर डैमेज होता है। और उसका मेन सिम्टम है कि अगर आपके बांह पे, अगर अंडर आर्म में अगर स्किन डिस्कलरेशन हो रही है, तो वो भी हम कह सकते हैं कि हमारा लीवर जो है वह कमजोर पड़ रहा है। नेक्स्ट ये है, अगर वाटर लीवर से लीकेज हो रहा है, जिसको एसाइट बोलते हैं, तो आपके एब्डोमेन पे, आपके स्टोमक पे वाटर का एक्युमुलेशन हो जाता है। अगर लीवर सही नहीं है तो यह सोडियम रिटेंशन भी कर सकता है। होता क्या है कि अगर आप फूड सही नहीं ले रहे हैं, पोटासियम रिच फूड नहीं ले रहे हैं, तो आपके जो मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब होगी, फिर सोडियम पोटासियम जो बैलेंस है, जो रेशियो है, वह बिगड़ जाएगा। अगर सेल्फ एक्सेस सोडियम है, बॉडी एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है, तो बॉडी एक्सेस सोडियम को मेंटेन करने के लिए, इक्यूलेट करने के लिए वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है कि लेग स्वेलिंग होती है। तो देखा गया है कि जनरली एडमा का केस होता है, अगर आपका लीवर सही नहीं है तो आपका पॉम भी फूल सकता है। अगर आप देख सकते हैं, जैसे किसी किसी केस में अगर आप दबाते हैं वहां पे, तो वहां पे एक गड्ढा का निशान आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि आपका लेग स्वेलिंग हो रहा, सोडियम रिटेंशन हो रही है एक्सेस। तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स है। अगर ये सब आपको लगता है कि किसी पर्सन में या किसी कोई ढंग से प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब है कि लीवर डैमेज हो चुका है, और इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फैटी लीवर को बचाने के लिए हम लोग क्या उपाय करना चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि जिनका लीवर फैटी हो चुका है, उनका बेली साइज थोड़ा बड़ा होता है, और उनका जो वेट होता है वो भी ज़्यादा होती है, एक्सेस फैट होता है बॉडी में, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को उस केस में जो है वेट कम करना चाहिए, बॉडी फैट कम करना चाहिए। तो आपको प्रॉपर वेट लॉस डाइट लीजिए, लीवर डिटॉक्स डाइट लीजिए, इससे आपका जो टोटल फैट है ऑल टुगेदर बॉडी और लीवर पे वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपका जो फैट है वो घटना कम हो जाएगा, फिर आप एक फुली फंक्शनल सेल रिजुनवेट होगा, फिर आपका लीवर सही होगा, फिर आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा। दूसरा है कि अगर आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा जो लीवर बड़ा है या बेली बड़ा है, उसके लिए आप टर्मरिक भी लीजिए। टर्मरिक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसमें एक कंपाउंड है जिसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ऑल्टुगेदर यह एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल भी प्रॉपर्टी होती है। इसे हम लोग वेजिटेबल्स में लेते ही हैं कुकिंग के दौरान, लेकिन आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। आप एक कप या एक गिलास ऑफ वाटर में इसको गर्म कीजिए, उसमें जिंजर जूस भी डालिए, और जब ये हो के बॉयल होने के बाद आप उसमें हाफ टी स्पून कोकोनट ऑयल डालिए, इससे आपका वेट भी कम होगा और फैट भी कम होगा, आपका लीवर जो फैट डिपोजिट है वो कम हो जाएगा। तीसरा जो मेजर स्टेप है, आप चुकंदर लीजिए, बीट रूट,
वो बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंटली, यह जो आपका जो बाइल है वो थिक हो चुका है, उसको यह थिन करेगा। तो एज ए बाइल थिनर के रूप में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें फाइबर होती है, इसके आपको प्रॉपर डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको आप सलाद के रूप में, इसको रेसिपी के रूप में, इसके जूस के रूप में आप इसको लीजिए, बहुत अच्छा आपके हेल्थ के लिए रहेगा, आपके लीवर के लिए अच्छा रहेगा। चौथा एक बता रहा हूँ मैं, हर्बल मेडिसिन है जिसका नाम है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल बहुत ही सुपर एंटीऑक्सीडेंट होती है, जिसमें एक सिली मेरिन कंपाउंड होता है जो कि लीवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके लीवर में ग्लूटाथियोन एक अनदर सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, वह कम हो जाती है, इसके वजह से आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम हो जाती है। तो अगर ये सब आप लेते रहेंगे तो आपका जो लीवर है वह फुली फंक्शनल होगा, जो आपको अगर पेन होती है लीवर से वो कम हो जाएगी। तो इसको आप यूज कर सकते हैं हर्बल मेडिसिन के रूप में। तो ये सब तो रहा हमारा डाइट प्लान रहा, और इसके बाद भी अगर हम अच्छे से फिट होना चाहते तो आपको एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज मस्ट कीजिए। और अगर वॉक कर रहे हैं तो सही है, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो घर पे भी आप अपने रूम में भी आप विंडो खोल दीजिए, आप फ्रेश एयर लीजिए, फिर आप वहाँ पे अलोम विलोम कीजिए, आप जो ऑक्सीजनेशन है उसकी बढ़ाइए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपका, तो फिर जो एक्चुअली जो फैट है वो धीरे धीरे कम होगी। एक्सरसाइज मस्ट है, आप सुबह शाम 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम एक्सरसाइज कीजिए। आप वंस इन ए वीक आप फास्ट कीजिए, लीवर डिटॉक्स डाइट लीजिए। जब आप ये सब लेंगे तो आपका है नेचुरली है कि आपका लीवर फुली फंक्शनल होगा, फुली एक्टिव होगा, और स्लोली स्लोली मंथ बाय मंथ आपका ईयर में 1 ईयर और 2 ईयर्स में आपका लीवर फुली फंक्शनल होगा। आप कई सारे प्रॉब्लम से, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, आपका जो इवन वेरिकोज वेन भी इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो सब ये सब चीज़ से आप निजात पाएंगे, आपको क्योर होगा। तो आज मैंने आपको फैटी लीवर के बारे में बताया, आप इसे देखिए, आप अपने लाइफ स्टाइल में इसको यूज कीजिए। आप जो फैटी फूड है, आप बाहर की चीज़ें पे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड पे कम ही लीजिए या नहीं लीजिए, थोड़ी सी लीजिए, इसको प्रिकॉशन से लीजिए। और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये आज का टॉपिक, आज का कंटेंट, और जो भी आपको क्वेश्चन करना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।